time to quit while we're ahead. Don't think like that. I will love you endlessly. Hello guys, welcome back to new वीडियो. सॉरी इतने दिन बाद ब्लॉग आ रहा है. ये बहुत ही ज्यादा मजेदार वाला ब्लॉग है. आज मैं आई हूँ जमशेदपुर के जमशेदपुर के हाईवे रोड में जो मानगो साइड से जाता है बालीगुमा. मानगो से बालीगुमा जाने वाला जो हाईवे रोड है उस हाईवे रोड पे इस ढाबे का नाम है जो है आहार इन. आज मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि रेस्टोरेंट्स जो शहर के रेस्टोरेंट्स में तो मैं जाती हूँ, बट मेरे को लगा कि चलो आज मौसम भी बहुत अच्छा है तो किसी हाईवे में किसी ढाबे में चलते हैं. तो ये मुझे दिख गया तो चलिए अंदर चलते हैं एंड खाने का मजा लेते हैं, ढाबे का खाने का मजा लेते हैं. चलिए के जो बैंक्वेट हॉल है, ये वाला है बैंक्वेट हॉल, आप देख सकते हो. अगर आपको मन है कि बर्थडे पार्टी, वेडिंग या कोई भी गेट टुगेदर कुछ भी अगर आप करना चाहते हो इस हाईवे वाली जगह पे, तो यहाँ पे भी आप बुकिंग कर सकते हो. काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेसिंग है. 100-150-200 लोग तो आराम से यहाँ पे गैदर हो सकते हैं. काफ़ी सुंदर है. सो गाइज, मैंने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया है फूड. काफ़ी कुछ ऑर्डर किया है क्योंकि भूख भी लगा एंड आप लोगों को दिखाना भी है कि यहाँ पे मतलब क्या क्या मिलता है एंड देखते हैं कि यहाँ का फूड कैसा होता है. स्टार्टर, मेन कोर्स, डेजर्ट एंड एवरीथिंग. तो खाने का वेट करते हैं, मतलब खाना आने का वेट करते हैं, फिर खाते हैं. ट्राई करी स्टार्टर में, मैंने लिया है प्लेटर लिया है. तो ये सारा टिक्का का प्लेटर है. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये है तंदूरी टिक्का, ये है मलाई टिक्का, ये है गार्लिक टिक्का और ये है हरियाली टिक्का. तो सबसे पहले मैं ट्राई करती हूँ चिली मलाई टिक्का. तो ये है मलाई टिक्का, काफ़ी टेस्टी है. ये ज़्यादा टेस्टी लगा मेरे को. ये हरियाली टिक्का है. ये सो अब मैं ट्राई कर रही हूँ यहाँ का वेज प्लेटर. वेज प्लेटर में यहाँ पे दिया गया है पनीर टिक्का, आलू टिक्का, सोया चाप और मशरूम टिक्का. तो सबसे पहले मैं आलू ही खाती हूँ. आलू खा खा के आलू जैसे हो जाती हूँ. सावन चल रहा है, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है. अब ट्राई करते हैं पनीर टिक्का. तो ये है पनीर टिक्का, तो थोड़ा ग्रीन चटनी लगाते हैं. पनीर भी काफ़ी फ्रेश और काफ़ी सॉफ्ट है. ये सोया चाप, थोड़ा सा हरी चटनी लगाते हैं. काफ़ी सॉफ्ट है. अब बारी है मेन कोर्स ट्राई करने का. तो मेन कोर्स है मेरे पास है, ये है चिकन टिक्का बटर मसाला और ये है चिकन देहाती और साथ में है गार्लिक नान. देहाती के साथ खाते हैं. ये देखो चिकन का पीस, टेस्टी है. अब ट्राई करते हैं चिकन टिक्का बटर मसाला से. ये बेस्ट, ये है चिकन टिक्का के पीसेस. ऐसा नहीं कि बहुत छोटा है, साइज अच्छा है. सो
सो गाइज, यहाँ पे मेरा खाना पीना कंप्लीट हो चुका है एंड टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप आते हो इस साइड में कभी तो ज़रूर से ट्राई करना। आहार इन नाम तो मैंने बोल दिया, और इसका जो लोकेशन है वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो गूगल लिंक के साथ। इसका जो प्राइस रेंज है वो सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, मतलब जो जो मैंने खाया है सारे का प्राइस। और टेस्ट सच में बहुत अच्छा था, आप सच में आके ट्राई कर सकते हो, स्पेशली चिकन टिक्का बटर मसाला बटर नान के साथ और जो तंदूरी प्लेटर था चिकन टिक्का का, वो ये दोनों चीज़ तो ट्राई करना ही करना। एंड बिरयानी भी ट्राई करना। बिरयानी मैं ट्राई नहीं कर पाई क्योंकि मतलब मैं नहीं खा पा रही थी उतना ज़्यादा, बट आप लोग आके ट्राई करना एंड मुझे बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि वो ऑथेंटिक हैदराबादी स्टाइल बिरयानी है जो रायता और सैलन के साथ प्रोवाइड होता है। और इनका जो किचन है वो भी ओपन किचन है, तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा तरीके से खाना बनाया जा रहा था, ये भी चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को मेरा सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जमशेदपुर से हो तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना, और मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, डाइन आउट विद मोना। अगर आप डाइन आउट विद मोना लिखते हो तो इंस्टाग्राम में सबसे पहले मेरा ही पेज दिखेगा एकदम साफ सुथरा सा, तो जल्दी से फॉलो कर दो एंड उसमें फॉलोअर्स बढ़ा दो। चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। नज़ारा का मौजा लेती हूँ।